शारदा जायसवाल, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मनसे ने कसी कमर। मनसे ने विधानसभा चुनाव के लिए की चौथे उम्मीदवार की घोषणा। लातूर विधानसभा से संतोष नागरगोजी को बनाया गया उम्मीदवार। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी है जारी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी सड़कों पर डटे हुए प्रदर्शनकारी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पीएम हसीना शेख जा सकती हैं लंदन। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश के लिए भी उठाना चाहिए कदम। बांग्लादेश में मचे बवाल के बाद भारत बॉर्डर कर दिया गया सील। प्याज निर्यात के सैकड़ों ट्रक भारत बांग्लादेश की सीमा पर फंसे। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज के निर्यात की दी थी इजाजत। बांग्लादेश रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें फिर से हुई शुरू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक विशेष उड़ान का किया गया संचालन, जिससे 6 बच्चों समेत 205 लोगों को वापस लाया गया भारत। मुंबई के दादर इलाके से आई चौंका देने वाली घटना। महिला ने एक शख्स पर बिल्ली को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। मुंबई पुलिस ने कथित व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रशासन ने जारी किया बड़ा आदेश। शहर में नो ड्रोन जोन किया गया घोषित। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और हॉक एयर बैलून समेत कई चीजों की उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक लगाया गया प्रतिबंध। नागपुर जिला के मौदा में हुए सीमेंट फैक्ट्री हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2। कंपनी के मालिक ने मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए और उनकी पत्नियों को पेंशन देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने पुलिस विभाग में किया बड़ा फेरबदल। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के पुलिस अधिकारियों का किया गया तबादला। गृह मंत्रालय ने 16 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट की जारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, अपने आरक्षण विरोधी बयान को वापस ले, अन्यथा दलित और पिछड़े वर्ग आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे उम्मीदवारों का करेंगे बहिष्कार। मुंबई में लगातार बढ़ रहा है मानसूनी बीमारियों का प्रकोप। मलेरिया, डेंगू और लेप्टो के मामलों में दर्ज की गई वृद्धि। जुलाई महीने में मलेरिया के 797, डेंगू के 535 और चिकनगुनिया के 25 मामले किए गए दर्ज। मुंबई के बाद कोकण में घर खरीदने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। महाड़ा जल्द ही कोकण डिवीजन के 11,000 घरों के लिए देगी विज्ञापन। महाड़ा ने घर खरीदने के लिए आवेदन करने के नियमों में किए हैं कई बदलाव। आवेदन करने वाले तलाकशुदा जोड़ों को अब डिग्री प्रमाण पत्र जमा करना होगा अनिवार्य। मुंबई के प्रभा देवी में शिंदे गुट और ठाकरे गुट हुए आमने सामने। होर्डिंग हटाने को लेकर दोनों गुटों के बीच हुआ विवाद। महाराष्ट्र के पुणे शहर में जीका वायरस ने बढ़ाई टेंशन। जीका वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 66। अब तक जीका से संक्रमित 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। 20 जून से अब तक कुल 26 गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से हुई हैं संक्रमित। महाराष्ट्र के पालघर जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। 20 आश्रम स्कूलों के करीब 250 छात्र हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। पीड़ित छात्रों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाने जिले के मुमरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। इमारत की 5वीं मंजिल से 3 साल की बच्ची पर गिरा कुत्ता। हादसे में बच्ची की हुई मौत, गंभीर रूप से कुत्ता हुआ घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के गाजियाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और टैंकर के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रक के ड्राइवर की हुई मौत, वहीं कंडक्टर गंभीर रूप से हुआ घायल। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये रही कि घायलों को बचाने के बजाय टैंकर में से बह रहे दूध को लूटने लगे लोग। बिहार के भागलपुर से आया हैरान कर देने वाला मामला सामने। पति ने अपनी प्रेमिका मामी के साथ मिलकर उठाया खौफनाक कदम। पहले पत्नी को पिलाया तेजाब, फिर उसकी गला दबाकर कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी मामी को किया गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी भारत। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ उनका जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर माता पिता ने गले लगाकर मनु भाकर का चूमा माथा। शेयर बाजार की आज धमाकेदार रही शुरुआत। बाजार के करीब सभी इंडेक्स मजबूती के साथ कर रहे थे कारोबार। निफ्टी 24,250 के करीब, वही सेंसेक्स 680 अंक उछला।
बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अवैध घुसपैठ रोकने के लिए मणिपुर और मेघालय के कुछ इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। 24 घंटे कड़ी निगरानी रख रहे सेना के जवान। पेरिस ओलंपिक से 140 करोड़ भारतीयों के लिए बुरी खबर। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट का गोल्डन मेडल जीतने का टूटा सपना। वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट हो गई अयोग्य। भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों ने जमकर किया हंगामा। सांसद पप्पू यादव, हरिंद्र मलिक और चंद्रशेखर आजाद ने जमकर किया अयोग्यता का विरोध। कहा, जानबूझकर डिस्क्वालिफाई करने के लिए किया गया है टारगेट। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब बांग्लादेश के नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चलाएंगे सरकार। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों से बातचीत के बाद लिया यह फैसला। राजस्थान में भारी बारिश ने रेलवे व्यवस्था को बुरी तरह से किया प्रभावित। बारिश के चलते कई ट्रेनों को किया गया रद्द। वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए कई घंटों तक करना पड़ रहा इंतजार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।